पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज फ्रेंड्स के एक्टर जेम्स माइकल टाइलर को चौथे स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। जेम्स माइकल टाइलर फ्रेंड्स में गंथर के कैरेक्टर में थे। जेम्स ने सोमवार को एक शो में पहली बार कैंसर होने का खुलासा किया है। 59 वर्षीय जेम्स कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। जेम्स ने सोमवार को शो में कहा, मुझे माफ़ कर दें कि मैं यहाँ आपको फ्रेंड्स मूवी आ रही है इसके अनाउंसमेंट करने नहीं आया। दरअसल आज मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि सितंबर 2018 में मुझमें एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा था। पिछले महीने जेम्स अपनी ख़राब सेहत की वजह से फ्रेंड्स रियूनियन में वर्चुअली जुड़ पाए थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता था और पहले मैं उस मंच पर जाने भी वाला था, कम से कम उनके साथ। फिर बाद में मैंने फैसला किया कि मैं शारीरिक तौर पर रियूनियन पर नहीं जाऊंगा और जूम के ज़रिए उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त किसी भी तरह से मायूसी नहीं लाना चाहता था। आप समझ रहे हैं ना? जेम्स ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर्स और एक्टर डेविड स्क्विमर को एक्टर की बीमारी के बारे में पता था।